नमस्कार श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट थ्री के अंदर एसक्यूएल प्लस में फंक्शंस पढ़ रहे थे, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस थे, सिस्टम के अंदर अवेलेबल फंक्शंस थे। उनकी सहायता से हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हम जो बड़े बड़े काम हैं, जो हार्ड काम है, बहुत इजी से कर पा रहे थे। उसी श्रृंखला में हम आगे कुछ फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम कुछ मैथमेटिकल्स जो आपके बाकी रह गए हैं उनका डेट और टाइम फंक्शन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहला जो फंक्शन स्क्वायर रूट के बाद में बात कर रहे हैं वो है पावर। पावर क्या होता है? घात क्या होता है कि अगर मैंने किसी के ऊपर पावर लगा दी तो क्या हो जाएगा। जैसे 2 की पावर अगर 3 है तो क्या हो गया, 2 × 2 × 2। या फिर जैसे 2 की पावर अगर मैं 5 कर देता हूं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इसको सोल्व करने के लिए हम एक फंक्शन का प्रयोग करते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, पावर। तो कैसे होता है ये आइए अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स लिखेंगे, इसका एग्जांपल होगा, फिर इसका आएगा आउटपुट। और आज का अपना फंक्शन कौन सा है? पहला पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का सिंटेक्स क्या रहेगा, इसमें क्या दिया हुआ है, यह फंक्शन दी गई संख्या की पावर घात ज्ञात करता है। यह फंक्शन इनपुट में 2 संख्याएं लेता है, पहला जो एक नंबर होता है वो, और दूसरा कि किसका घात लेना है, किसकी पावर लेनी है वो। ये क्या हो गया कि पहली संख्या बेस आधार होती है और दूसरी संख्या उसकी पावर होती है, घात होती है। इसका सिंटेक्स किस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से POWER पावर, बेस मतलब आधार संख्या और पावर। कैसे होता है बेसिकली समझा देता हूं। जैसे 2 की घात ये 5 है तो ये क्या हो गया, 2 यहां पर बेस हो गया और 5 क्या हो गया आपका, पावर हो गया। देखिए आप, 2 क्या हो गया, बेस हो गया और 5 क्या हो गया इसका, पावर हो गया। तो हम इसको निकालेंगे कि 2 की घात 5 को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। इसका हम अब एग्जांपल लेते हैं आपके कैसे दिया गया है कि जैसे पावर 5 की पावर 3, 5 × 5 × 5 तो कितना हो जाएगा, 25 × 5 मतलब 125। इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा, 125। बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन निकाल सकते हैं, हम घातांक निकाल सकते हैं किसी का। उसके अगला आपका जो फंक्शन है वो है आपका मोड फंक्शन। आपका फंक्शन क्या है इसके अंदर, मोड फंक्शन। मोड क्या होता है, मोड को हम कहते हैं शेषफल। जैसे मैं 2 का भाग देता हूं 5 के अंदर तो 2 बार गया, 4 आया, 1 बच गया। तो अपने पास मोड क्या है, शेषफल क्या है, 1 बच गया। जो इसके अंदर शेष में बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मोड कहा जाता है। ठीक है, तो मोड कैसे निकालेंगे हम या शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम मोड फंक्शन का उपयोग करते हैं। ये फंक्शन दी गई संख्या का मॉड्यूल्स या फिर रिमाइंडर या फिर शेषफल ज्ञात करके देता है। ये फंक्शन इनपुट में 2 संख्याएं लेता है, किसका किस में भाग देना है। पहला जो है वो डिवाइडेंट होता है, भाज्य होता है, और दूसरा होता है डिवाइडर होता है, जो भाजक संख्या होती है कि भाई किसका किस में भाग देना है। अपन ये समझते हैं इसका सिंटेक्स कैसे होता है, ये हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे इसका आउटपुट आएगा। चलिए मोड हो गया, इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, मोड डिवाइडेंट वर्सेस डिवाइडर। डिवाइडेंट और डिवाइडर, भाज्य और भाजक। ठीक है, इसके एग्जांपल इन्होंने क्या ले रखा है कि पावर, सॉरी
मोड 10 के अंदर 4 का भाग दे दो, 10 के अंदर 4 का भाग देना है। चलिए अपन देख के देख लेते हैं, 10 के अंदर 4 का भाग देना। आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दिया है वो गलत एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान रखना। इसके अंदर बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि वो पावर का यूज ले रहा है, वो पावर का आपको दिखा रहा है, ये मोड का नहीं दिखा रहा। तो उसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, यहीं पर समझ लो कि दो बार गया, 8 आया, कितना बच गया 2। तो अपने पास क्या है, रिमाइंडर, या फिर जिसे अपन कहते हैं शेषफल, 2 बच गया। तो अपना आंसर क्या आएगा, 2। क्यों? क्योंकि इसका जो शेषफल है वो 2 आ रहा है, हमने ज्ञात करके देखा है। और इस अगर सिचुएशन में हम अगर कंप्यूटर में डालेंगे तो 1 सेकंड में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये था आपका मोड फंक्शन, मोड का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम डेट फंक्शन का जो होता है, कि जो टाइम और डेट से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जो पहला फंक्शन है आपका वो है sysdate, sys sysdate। sysdate का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, देख लेते हैं। sys प्लस डेट, sys प्लस डेट, sys का मतलब क्या हो गया, सिस्टम, डेट का मतलब तारीख, डेट मतलब जो सिस्टम की तारीख है, जैसे आपके फोन के अंदर अभी कितनी तारीख है वो ज्ञात अगर आपको करना है तो ये आपको सिस डेट उसके अंदर देना पड़ेगा। जैसे आप लगा सकते हो कि कोई भी अगर कोई फाइल बनाना चाहे तो उसके अंदर सबसे पहले आप सिस डेट को वहां पर लगाना चाहो, ताकि आपको पता चले कि ये जो फाइल है वो कब बनी हुई है, तब आप यहां पर क्या करोगे, सिस डेट का प्रयोग करोगे। चलिए अपन देखते हैं, ये फंक्शन कंप्यूटर की वर्तमान तारीख को देता है। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, सिंपल वैसा ही सिंटेक्स, जहां पर भी आप सिस डेट लगा दोगे आपको तारीख आउटपुट करके दे देगा, सिस डेट। कैसे हो गया सिस डेट, जैसे हमने ये देखा कि क्या हो गया, सिस डेट हो गई, ठीक है। और इसको अपन यूज भी, इसका एग्जांपल भी ऐसे ही लिया जाएगा, प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में आप सिस डेट लिख दोगे या फिर कहीं सेव कराने के लिए आप सिस डेट लिख दोगे तो वो क्या करेगा, जो प्रेजेंट डेट होगी उसको आप पर अब सेव कर लेगा। जैसे 3 20, तो ये आपका हो गया सिस डेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड जो है वो एड मंथ्स, क्या हो गया एड, एड मंथ्स। एड मंथ्स कैसे उपयोग किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। यह फंक्शन दी गई तारीख में दिए गए महीनों को जोड़कर जो तारीख आती है उसे दे देता है। इसका जो सिंटेक्स रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, एड अंडरस्कोर मंथ्स, ये तो उसका नाम हो गया, सिंटेक्स क्या रहेगा, एड मंथ्स, और इसके अंदर क्या है, डेट, कि भाई कौन सी डेट है और इसके अंदर कितने महीने जोड़ने हैं। ये आपका सामने निकल के आ रहा है कि भाई एड मंथ्स करना है, इसके अंदर कौन सी डेट है और आगे कितने महीने जोड़ने हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एड एड मंथ्स आपकी बुक में दिया हुआ है 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2012, उसके अंदर कितने आगे महीने जोड़ने का बता रहे हैं, 2 महीने आगे जोड़ने का बोल रहे हैं। तो 2 महीने आगे जोड़ने से क्या हो जाएगा, 2 महीने जैसे आप इसके अंदर जोड़ोगे तो आपके पास जो डेट आएगी वो क्या आएगी, 2 महीने बाद, मतलब दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी, जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी। तो दूसरा महीना क्या हो गया, फरवरी हो गया आपका। तो अपने पास आउटपुट क्या आएगा, 28 फेब, क्योंकि 28 दिन का ही वो था, 2013।
ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर 12 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर के बाद साल चेंज हो गया, तो इसलिए 28 फरवरी 2013 आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमने क्या देखा कि 8 मंथ्स का मतलब क्या हुआ है, जो आपके पास डेट दी गई है उसके अंदर आप जितने चाहें उतने महीने जोड़ सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर 3 करता तो यहां पर क्या आ जाता, मार्च 31 मार्च आ जाता है इसके अंदर। तो ये था आपका 8 मंथ्स। 8 मंथ्स को हम किस प्रकार से उपयोग ले रहे हैं। इसके बाद में आपका अगला जो है फंक्शन वो है लास्ट डे। ये फंक्शन दी गई तारीख को इनपुट में के रूप में लेता है तथा उस महीने की अंतिम तारीख को दे देता है। कैसे, चलिए हम चेक करते हैं। अगला फंक्शन क्या आपका लास्ट डे। लास्ट डे कौन सा है इस महीने का, जिस महीने की आप बात कर रहे हो, जिस डेट के महीने की आप बात कर रहे हो, वो उसका लास्ट दिन कौन सा है। चलो अपन चेक करते हैं इसको। लास्ट डे, इसका सिंटेक्स क्या होगा, लास्ट डे को हम क्या कहेंगे, सिर्फ एक डेट दी जाएगी और वो उसको जो भी उसका लास्ट दिन होगा उसको निकाल के आपको आउटपुट के रूप में दे देगा। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल क्या हम लेते हैं, लास्ट डे 10 मार्च 2013। ये मैंने इसको डेट दी है कि इस महीने के लास्ट डेट क्या होगी, 31 मार्च। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि महीने का लास्ट डे, जिस डेट के बाद में जो महीने का लास्ट डे आएगा वो आपको निकाल कर आउटपुट के रूप में दे देगा, जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगह पर कर सकते हो। ये था आपका लास्ट डे फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट डे से। ये क्या था, लास्ट डे मतलब, लास्ट डे का मतलब क्या हुआ, जो तारीख दी गई है आपको उसका, उस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा ये आपको बताएगा। नेक्स्ट डे क्या बताता है, ये फंक्शन दी गई तारीख वे दिन को इनपुट के रूप में लेता है। वो क्या करता है कि जो तारीख और दिन दोनों को इनपुट के रूप में लेगा और इनपुट दिया गया दिन मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, वो वर्तमान तारीख के बाद उस महीने की कौन सी तारीख को आएगा ये बताता है। जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे मंडे है किसी दिन, ठीक है, मंडे है किसी दिन और अगली जो तारीख है उसके बाद में मंडे कब आएगा ये अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है नेक्स्ट डे। चलिए इसका जो है सिंटेक्स कैसे रहेगा, नेक्स्ट डे आपका ये फंक्शन का नाम है, नेक्स्ट डे हो गया आपके। अब इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, सिंटेक्स क्या रहेगा इसका, क्योंकि इसके अंदर हम क्या दे रहे थे, डेट भी दे रहे थे और डे भी दे रहे थे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, डेट और डे। अब क्या है ना कि डे का जो है वो निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं, इस जो सिंटेक्स के अंदर डे का जो नाम है उसके अंदर हम 1 2 3 नंबर देते हैं इसको, और वो नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है, जैसे संडे के लिए 1 हो गया, मंडे के लिए 2, उसी प्रकार ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5 और फ्राइडे के लिए 6, इसका सैटरडे के लिए 7, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए अपन इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बात करता हूं नेक्स्ट अंडरस्कोर डे, डेट आपके बुक के अंदर ली हुई है 10 जुलाई
2012, 10 जुलाई 2012 के बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, मंडे कब आता है उसके बाद में, इस तारीख के बाद में मंडे कब आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो आपने क्या लिखा, दो लिखा। अगर आपको संडे ज्ञात करना होता तो क्या लिखते, आप ए लिख, एक लिखते। अगर आपको शनिवार ज्ञात करना होता तो आप क्या लिखते, सात लिखते इसके अंदर, ठीक है। अब ये आउटपुट के रूप में क्या देगा कि 10 तारीख के बाद में मंडे कब आएगा ये चीज आपको निकाल कर दे देगा। तो वो कब आता है, 16 जुलाई 2012 को मंडे आता है। तो ये आपको इसने रिटर्न करके दे दिया है, ठीक है। ये क्या किया इसने, रिटर्न करके आपको दे दिया है। इसके बाद अपन बात करते हैं आपका जो अंतिम मैथमेटिकल फंक्शन है, सॉरी डेट फंक्शन है, उसके बाद में कुछ अतिरिक्त जो फंक्शन है वो बच जाएंगे, वो हम कल चर्चा करेंगे। मंथ्स अंडरस्कोर मंथ्स बिटवीन, क्या है इसका नाम, मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन, कि कितने महीने हैं बीच में ये पता करना हो तो हम क्या करेंगे, मंथ्स बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ये फंक्शन दो तारीखों को इनपुट करता है और उनके मध्य के महीनों को ज्ञात करके देता है। इसका जो सिंटेक्स कैसे रहेगा, मंथ्स बिटवीन डेट वन और डेट टू, डेट टू ये निकाल के देगा आपको कि इन दो डेट के मध्य कितने महीने आते हैं। चलिए अपन चेक कर लेते हैं, आपके इस एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है, 10 जुलाई 11 और 10 फेब 8, फेब्रुअरी 2008, इनके मध्य कितने महीने आए होंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो ये आपको आउटपुट में क्या दे देगा, 41 महीने आए थे इनके बीच में, इस टाइम के बीच में 41 महीनों का समय है। ये आपको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मंथ्स बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आज हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको उनमें से कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन लगे या फिर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। एक बार अपन वापस रिवीजन कर लेते हैं। पावर का मतलब क्या होता है, जो घात होता है उसको ज्ञात करते हैं। मोड के अंदर हम क्या करते हैं, सेसफल को ज्ञात करते हैं। सिस डेट में क्या करते हैं, सिस्टम की जो डेट होती है करंट डेट उसके बारे में पता करते हैं। एड मंथ्स में क्या होता है, जो भी डेट दी गई है आपको उसके अंदर हम कुछ महीने एड कर लेते हैं। लास्ट डे का मतलब क्या हुआ है, कि जिस महीने की डेट का हम देते हैं उस महीने का लास्ट वाला दिन कौन सा है ये बताता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे मंडे, भाई दी गई तारीख से मंडे कब है, दी गई तारीख से संडे कब है ये ज्ञात करके देता है। और मंथ्स बिटवीन क्या देता है, कि दो डेट आपको दी गई है उन डेटों के मध्य कितने महीने का समय है ये आपको ज्ञात करके दे दिया जाता है। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। खूब घर पे बैठ के पढ़ाई करें। धन्यवाद, टेक केयर।